एजुकेशन सब्सिडी। एजुकेशन सब्सिडी को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन क्या होता है? शिक्षा पर एजुकेशन के लिए सरकार द्वारा बैंक के जरिए आपको लोन दिया जाता है, जिसमें आपको अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए जितना खर्चा आता है, ट्यूशन जितनी भी हॉस्टल फीस होती है, जितनी भी जो खर्चा होता है वो सारा जोड़ करके आपको बैंक द्वारा लोन दिया जाता है, और निर्धारित समय के बाद में आपको वो लोन का पैसा ब्याज सहित बैंक को चुकाना होता है। लोन का पैसा, तो ये थी एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन आपको हर प्रकार की शिक्षाओं के लिए दिया जाता है, और कौन कौन सी शिक्षाओं के लिए एजुकेशन लोन दिया जाता है इसकी जानकारी आपको आपके नज़दीकी बैंक से पता चलेगी कि कौन सी शिक्षा में आपको लोन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सब्सिडी। तो एजुकेशन सब्सिडी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके सबके घरों में गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर पहले आपके सबके घरों में 320 रुपए के करीब मिलता था, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलता था। जितना पैसा आप जमा कराते थे गैस सिलेंडर लेने के लिए, जितना पैसा वो आपको पूरा जमा कराना होता था, बाकी के खाते में आपको कुछ नहीं पैसा मिलता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लागू की है, सब्सिडी योजना। इस सब्सिडी के जरिए गवर्नमेंट आपसे जो गैस सिलेंडर की कीमत है उससे बढ़ा करके आपसे गैस सिलेंडर दिया जाता है आपको। यानी तकरीबन 800-900 रुपए का आपको सिलेंडर दिया जाता है, 300 का सिलेंडर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बाकी के पैसे हैं उन पैसों को आपको सब्सिडी के रूप में आपके बैंक खाते में डाल दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं सब्सिडी। तो इसी तरह से जो बैंक है वो आपको क्या देता है, लोन देता है। तो लोन का ब्याज जोड़ करके जो पैसा बनता है वो आपको निर्धारित समय होता है, जैसे 15 साल, तो 15 साल के अंदर अंदर आपको वह पैसा ब्याज सहित बैंक को लौटाना होता है। अब गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू की है कि जैसे ही बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं अपना पूरा, तो जो ब्याज का जो पैसा बनता है उस ब्याज के पैसे को सब्सिडी के रूप में आपको गवर्नमेंट आपके खाते में डाल देती है। तो इससे आपको ब्याज मुक्त लोन मिल जाता है, जबकि बैंक आपको ब्याज मुक्त लोन नहीं देता। लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके जरिए आपको गवर्नमेंट आपके खातों में ब्याज के पैसे डाल देती है। जिस तरह से सब्सिडी के रूप में गैस सिलेंडर में डाला जाता है, उसी तरह से योजना है बैंक की एजुकेशन लोन पर सब्सिडी की। तो आपको समझ में आ गया होगा एजुकेशन सब्सिडी क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा एजुकेशन सब्सिडी, कौन सा बैंक कितने ब्याज पर आपको एजुकेशन लोन देता है, विदेशी शिक्षा के लिए यानी फॉरेन एजुकेशन के लिए भी आपको लोन दिया जाता है। तो इसका पता आप अपने बैंक में जा करके कर सकते हैं। तो इसका पता, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना।